हाय गाइस, एमएम मेडिसिन वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ओमनीसेप प्लस टैबलेट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ओमनीसेप प्लस टैबलेट टू कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट सेफिक्सिन 200 mg और सेकेंड ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg इच टैबलेट से बना हुआ है। और ये दवाई जैसे कि आप देख सकते हैं, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कपूर द्वारा बनाया गया है। और इस दवाई की कीमत इस समय 165 रुपये 10 टैबलेट है। सो गाइस, इस दवाई का प्रयोग मुख्य रूप से टाइफाइड बुखार और नॉर्मल बुखार के इलाज में किया जाता है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में भी कर सकते हैं, जैसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया, गले में इन्फेक्शन, श्वास नली में इन्फेक्शन, साइनस की समस्या, टॉन्सिल्स, ब्रोंकाइटिस, कान में इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जननांग में इन्फेक्शन के इलाज में भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं इसके साल्ट किस तरह काम करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। सेफिक्सिन साल्ट कैसे काम करता है? सेफिक्सिन एक एंटीबायोटिक है। ये जीवाणु की सेल वॉल पर हमला करके बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे संक्रमण के इलाज में मदद मिलती है। और ऑफ्लॉक्सासिन साल्ट भी एक एंटीबायोटिक है। ये डीएनए प्रतिकृति को रोककर जीवाणुओं को नष्ट करता है। सो गाइस, इस दवाई के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी, उबकाई, मुंह सूखना, दस्त, पेट दर्द हो सकते हैं। यदि इस प्रकार कोई भी समस्या हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। सो गाइस, इस दवाई को लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, स्टोमक अल्सर, एल्कोहोलिस डिजीज वाले पेशेंट और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सो गाइस, डोज के बारे में बात करें तो सेफिक्सिन 8 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं दिन में 2 बार और ऑफ्लॉक्सासिन 10 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं दिन में 2 बार। और ये दवाई एडल्ट पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। सो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।